उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच में अब तक 10 लोगों की जाने जा चुकी हैं। आदमखोर भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़ियों या तेंदुओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उन्हें हर हाल में नियंत्रण करने पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग के क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता पैदा करें, लोगों को सुरक्षा के उपाय के बारे में भी बताएं, जन प्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लिया जाए। वन मंत्री को निर्देश दिया गया कि वरिष्ठ अधिकारी जनपदों में काम करें, वन विभाग के अतिरिक्त कार्मिकों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में लगाएं। वहां समस्त विभागों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी करें। ये जनपद बहराइच में तहसील महसी है और महसी का गांव है गरेठी। ये गांव जिसमें घटना हुई, इस गांव में ये पहली जो है मृतक वाली घटना हुई है और 2.5 साल की बच्ची को उठाया गया है। इस अभियान में यही दिक्कत आ रही है कि जो भी भेड़िया है वो लगातार नए गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। जिन गांव में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए वहाँ पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई है, वन विभाग भी कार्य कर रहा है और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। लगातार लोगों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है दरवाज़ा बंद करके सोएं या छतों के ऊपर सोएं, कोई खुले में ना सोएं। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करना चाहती हूं कि जब तक जो ये भेड़िए हैं जो नरभक्षी टाइप के हो चुके हैं तो जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब मैं विशेष रूप से सचेत रहें और बाकी वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। केवल एक दिक्कत आ रही है कि 100 से अधिक राजस्व ग्राम है और हर बार ये जो है अपना गांव नया बदल लेता है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैम, एक ही रात में 3-4 जगह घटनाएं हो रही हैं इस समय, जबकि घटना एक घटना से दूसरी घटना में 10 किलोमीटर की दूरी है, क्या कहा जा सकता है कि एक ही मीडिया हमला कर रहा है? इसमें अभी निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। वन विभाग जो है इसमें विशेष रूप से अपनी पूरी जानकारी इकट्ठे कर रहा है कि कितने भेड़िए हैं और अभी तक जो बताया गया कि 2 भेड़िए ऐसे हैं, लेकिन वन विभाग इसमें विशेष रूप से अपनी जानकारी कर रहा है और जाँच कर रहा है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सारे अधिकारी भी लगातार। मैम, आपका अगला सख्त कदम क्या होगा? और जल्द ही जो है वो ये भी पकड़े। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने मानव जीव को संघर्ष आपदा घोषित किया। इस क्रम में वन्य जीवों के हमले में घायल लोगों और असमय काल कावलित हुए लोगों के परिवारजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।